पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। साथियों, ये गीत तो आपने सुना होगा। अगर कहें तो इंसान की शुरुआत पत्थर से हुई, जी हाँ, पाषाण काल। और इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, एक पुरापाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नव पाषाण। तो पुरापाषाण काल था, उसमें जो इंसान इस तरह पत्थरों के मकान में रहता था, मकान क्या, पत्थरों की गुफाएं कहें, और वो पत्थर के ही बर्तन थे। और जब उसने थोड़ी बहुत कुछ काम चलाऊ खेती भी शुरू की, तो वो भी पत्थर के ही, उसके हल पत्थर की, खुरपी, सब कुछ पत्थर का था। ये देखिए, पत्थर का जो जीवन था, वहाँ पर उसने चित्रकारी की है, उस समय का पाषाणकालीन चित्र। तो पुरापाषाण यानी कि जहाँ पर इंसान हड्डी के औजार बनाना प्रारंभ किया। तो लेकिन औजार जो थे वो इस तरह थे, बेडौल, बेढंगे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात थी इस युग में उसने आग की खोज कर ली थी। और आग की खोज करने के बाद वो कच्चा मांस की बजाय पका हुआ मांस खाने लगा था। मध्य पाषाण काल आया तो उसने इस तरह के औजार बनाना शुरू किए जो पहले से कुछ बेहतर थे। और उस समय की जलवायु गर्म हुई, कहते उस समय तो ये बकरी और खरगोश, ये जानवर, हिरण, शाकाहारी जानवर, ये पैदा हुए। और मानव अपनी आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। यानी जो मध्य पाषाण काल, ये संग्राहक काल कहलाता। कुत्ते को उसने पालतू पशु बनाया। और मानते हैं कि इस समय उसको थोड़ा बहुत खेती का ज्ञान होने लगा था। और नव पाषाण काल में उसे कृषि करना उसने शुरू किया। तो जब से उसने कृषि कार्य करना शुरू किया, उसी युग को नव पाषाण काल कहते हैं, जब से भी। और वो वहाँ से वो उत्पादक बन गया। उसके औजार जो थे उनमें काफ़ी तरक्की की थी, कुल्हाड़ी, हसिया, ये सब मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तन सहित, मतलब आज के जैसे नहीं, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर बर्तन भी बनाने लगा। और कहें तो चाक का भी जो है प्रयोग वहाँ से पता चलता है। और सबसे बड़ी बात कि उसने जो है शवों को दफनाने के ढंग से उनके धार्मिक विश्वास के विषय में भी जानकारी मिलती है। खेती के कारण लोग परिवार के रूप में रहने लगे। पहले कोई ना किसी का बेटा, ना बहन, ना पति। लेकिन जब खेती शुरू की तो खेती में इंसानों की ज़रूरत होती, लोगों की ज़रूरत, तो समूह बना के, और समूह में वो सबसे पहले परिवार के सदस्यों के रूप में एक साथ रहा। वहाँ से उसने, कहें तो परिवार की जो विचारधारा यहीं से पनपी, कृषि के। धातु काल कहें तो तांबे का ज्ञान उसने कर लिया था। तो ये कहें कि खेती जब से की तब से नव पाषाण काल। तो इंसान और पशुओं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था उस समय, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि दोपहर से खड़ा होना और उंगलियों को स्वतंत्र, और अंगूठे का प्रयोग, जिसने उसको पशु से मानव, या कहें कि पशु से मनुष्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। और उसका जो मस्तिष्क था, दिमाग, वो भी अब काम करने लगा, क्योंकि कहते खाली दिमाग और उंगलियां खाली, हाथ खाली हो गए थे, हाथ स्वतंत्र थे, अब वो कुछ करने लगा। और अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने मन को एक जगह केंद्रित करने का हुनर उसने सीखा।